नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू किसके साथ एलनाबाद। इस सेगमेंट में आज हम जिक्र करेंगे सात ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जिसके आधार पर इस बार बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। मगर ऐसे में क्या अब बड़ौदा उपचुनाव की तरह एलनाबाद की जनता बीजेपी को पटखनी देने में कामयाब होगी या फिर बीजेपी जीत के साथ दो कामों को सफल सिद्ध करने में कामयाब हो पाएगी। सबसे पहला किसान आंदोलन पर विजय पाना और दूसरा बाई इलेक्शन में खट्टर साहब अपनी कुर्सी को बचाने में भी कामयाब होंगे। दरअसल अब इस उपचुनाव में सरकार के लिए ये जो बाई इलेक्शन है वो गले की फांस बना है। मगर इन सब में सात ऐसे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे जो कि बीजेपी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पवन बेनीवाल का कांग्रेस में चले जाना, क्योंकि उनके पास भी जब उन्होंने दो चुनाव यहां से लड़े, हालांकि वो जीत नहीं पाए, मगर उनके साथ बीजेपी का एक वोट बैंक था। अब उस वोट बैंक के प्रति बीजेपी को चौकस होना होगा, क्योंकि निर्भर करेगा क्या बीजेपी में अब सेंधमारी करने में कांग्रेस के प्रत्याशी पवन बेनीवाल कामयाब हो पाएंगे या फिर सीधे तौर पर वो सीधा वोट बैंक बीजेपी से कांग्रेस में शिफ्ट होगा, जो कि सबसे बड़ी एक तरीके से बीजेपी के लिए ड्रॉबैक हो सकता है। दूसरी बड़ी बात है बीजेपी, क्योंकि एलनाबाद हमेशा से INLD का गढ़ माना जाता रहा है और यहाँ पर कभी भी कमल खिल नहीं पाया है। ऐसे में सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कोई भी ऐसा नेता नहीं है, अग्रणी नेता नहीं है यहाँ पर जो यहाँ पर एक्टिव रह पाता। दूसरा सबसे जो बड़ा एक चुनौती भरा कार्य बीजेपी के लिए रहने वाला है वो है किसान आंदोलन, क्योंकि इसी किसान आंदोलन की वजह से ये बाई इलेक्शन हो रहा है। क्योंकि 26 जनवरी को अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा किसानों के समर्थन में दिया था और उसके बाद अब बीजेपी को ये इलेक्शन करवाना पड़ा। निर्वाचन चुनाव आयोग ने इसके लिए दिनांक तय किया। ऐसे में सबसे बड़ा विरोध तो किसानों का ही झेलना होगा, क्योंकि एलनाबाद पूर्ण तरीके से एग्रीकल्चरल लैंड बेस्ड एरिया है और किसान यहाँ पर जो तबका है वो सबसे ज़्यादा है। तीसरी सबसे बड़ी बात है बीजेपी का यहाँ पर कोई आधार नहीं है। मैंने पहले से बताया जिस तरीके से अब तक के 12 इलेक्शन में 10 बार INLD यहाँ पर काबिज रही है, ऐसे में गढ़ में सेंध लगाना सबसे बड़ी चुनौती है। अब ये देखने वाली बात है आखिर बीजेपी किस तरीके से इस INLD के गढ़ को तोड़ पाने में कामयाब हो पाएगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चौथे स्थान पर आता है, वो इस सत्ता में जो गठबंधन की सरकार है बीजेपी के साथ सहयोगी JJP, उसका रोल कितना रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मगर यहाँ पर सबसे बड़ी जो कमी और जो सबसे बड़ा एक ये कह लीजिए सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ी मुश्किलात जो है वो बीजेपी के लिए इसलिए भी है, JJP जब चुनाव लड़ रही थी, जब INLD से अलग होकर विभाजन हुआ पार्टी का, तो JJP ने किसानों के मुद्दे पर ही वोट मांगा था। दुष्यंत चौटाला किसानों से हमेशा बीजेपी को काटते रहे, उन्होंने बीजेपी का विरोध किया था और किसानों का समर्थन देते हुए उन्होंने हमेशा सरकार के विरोध में बोला और पूर्ण तरीके से किसान वोट उनके साथ चला गया, क्योंकि ताऊ देवीलाल की विचारधारा को उन्होंने मुख्य तौर पर आगे रखा। मगर अब हालात और बदल गए हैं, क्योंकि जो JJP का वोटर था वो ज़्यादातर किसान था। अब किसान तो विरोध में है, किसान आंदोलन चल रहा है, ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बीजेपी का JJP साथ कैसे देगी, ये सबसे अहम रोल जो रहने वाला है। पांचवें स्थान पर आता है बेरोजगार वोटर, जिसमें सबसे ज़्यादा युवा यहाँ पर शामिल है, क्योंकि बेरोजगारी जिस चरम पर है वो वोटर निश्चित तौर पर इस गठबंधन सरकार के विरोध में है। ऐसे में उस वोटर को कैसे शिफ्ट बीजेपी करेगी, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और उसके आगे एक महत्वपूर्ण बिंदु जो छठे स्थान पर आता है, अब छठे स्थान पर आता है महिला वोटर, क्योंकि जिस तरीके से रसोई गैस सिलेंडर से लेकर आप अगर तुलना करेंगे तो महिला वर्ग है वो बीजेपी से खासा निराश है। मगर सबसे बड़ा फैक्ट यहाँ पर यह है नीताशा राकेश सिहा का पत्ता कटना और नामांकन में उनका दूरी बनाकर रखना भी सबसे बड़ी वजह बनेगा, क्योंकि
ग्राउंड पर लगातार नताशा ने कड़ी मेहनत की, वो कार्यकर्ताओं के बीच में रही और अब जो सबसे बड़ा वर्ग है, अब सीधे तौर पर कहें नताशा का जो खेमा है वो टिकट कटने के बाद नाराज हो गया है, क्योंकि इलाहाबाद से ऐसा कोई भी कैंडिडेट बीजेपी को नहीं मिल पाया और बाहरी से यानी कि सिरसा से गोविंद कांडा को बीजेपी ने मैदान में उतारा। तो सीधे तौर पर जो नताशा राकेश सिहाग का जो कैडर है वोटर का, वो बेहद नाराज है। और सबसे महत्वपूर्ण सातवां बिंदु ये भी है इलाहाबाद से बाहर का कैंडिडेट का होना, वो दोनों पार्टियों के लिए है कि एक दिन पहले कांग्रेस ने भी अपने नए चेहरे यानी कि कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले ही किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को अलविदा बोलकर आए पवन बेनीवाल को टिकट दिया गया और दूसरे स्थान पर नताशा भी वहां पर सबसे मजबूत कैंडिडेट थी, आदित्य चौटाला का नाम चल रहा था, मगर इन सब के बीच में सिरसा से गोविंद कांडा को उतारा गया, जिससे ये माना जा रहा है कि पैराशूटी जो कैंडिडेट उतारे गए हैं, जिससे खासा जो वर्ग है वो हताश हो गया है। तो ये ऐसी सात बातें हैं जो बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर एक सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है और ऐसे में यही है कि बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर रखिएगा। और इलाहाबाद किसके साथ लगातार ग्राउंड जीरो से तेज हरियाणा आप सबके बीच में आता रहेगा। हम इस बाई इलेक्शन में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते रहेंगे और हमारे एक्सपर्ट के साथ भी आपको जरूर मिलवाएंगे। ग्राउंड जीरो पर भी सर्वे रिपोर्ट लगातार आप देख रहे हैं, बने रहिए तेज हरियाणा के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा।